और यही है अपना प्लेन, इस प्लेन में अपने को जाना है और इसी से तेहरान पहुंचना है। कुछ हो ना जाए, मतलब ऐसा ना हो कहीं ट्रांजिट वीज़ा के चक्कर में मुझे वापस भेज दें लोग। और बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। एक ऊपर से जो फ्लाइट है वो इंडिगो की है, एक घंटे से वो ऐसी खड़ी है। पिछले दो दिन से ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो मैं बता नहीं सकता। मैं आपको पहले भी दिखा था, अगर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मेरा थोड़ा ना दिमाग उस टाइम ठीक हो रहा होता, थोड़ा इतनी ज़्यादा दिमाग पर चीज़ें नहीं चल रही होती, तो मैं आपको पूरा कुवैत का एयरपोर्ट दिखाता हूँ। चलो तो यार अब जा रहे हैं हम अंदर, और 10F हमारा है। 10F बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में। मेरा नाम दिवाकर है और दोस्तों आज के दिन मैं जा रहा हूँ ईरान, और आज मेरी फ़्लाइट है शाम की, यहाँ से चेन्नई, चेन्नई से कुवैत और कुवैत से फिर तेहरान। तो दोस्तों लगभग मेरा सारी चीज़ें तैयार हैं, मैं बहुत पहले से ही थोड़ा लेट हो गया हूँ। और आप इधर देखेंगे तो मैंने सर अपना बैग वैग सब यहाँ पर तैयार है और बस चल रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो ठीक है दोस्तों, अब मैं तैयार हूँ। मेरी मदर थोड़े उदास हैं क्योंकि ज़्यादा दिन के लिए बाहर नहीं जाता हूँ और मैं काफ़ी दिन के लिए जा रहा हूँ, तो वो थोड़ा उदास हैं, लेकिन कोई नहीं, जाना तो ज़रूरी है। तो दोस्तों जल्दी से हम तैयार होते हैं और बाकी चीज़ें रखते हैं और फिर निकलते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों इस तरह मैं अपने घर से दिल्ली के लिए निकल गया था, और रास्ते में बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे कि मेरी बस छूट गई। फिर मैंने जो यूपी की ऑर्डिनरी बस होती है वो ली, और वो इतनी हल्के चल रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा उससे भी झगड़ा हो गया। फिर जैसे तैसे मैं एयरपोर्ट पहुँचा, वहाँ जाके मुझे एक ऐसी चीज़ लगी जिसने मेरे सर में दर्द कर दिया। वो चीज़ क्या थी वो मैं आपको बताता हूँ। और अभी मैं अपने प्लेन की तरफ जा रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं जाके अपने प्लेन में बैठता हूँ अपनी सीट पर, और मैं आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ। तो भाई मैं चेन्नई के लिए इंडिगो की फ़्लाइट में हूँ अभी फ़िलहाल, और एक इशू हो गया है कि मेरी जो फ़्लाइट है वो चेन्नई तक है, और चेन्नई के बाद कुवैत, फिर कुवैत तक है, और कुवैत से फिर तेहरान। बट मेरे को अभी पता लगा है कि कुवैत में ट्रांज़िट वीज़ा की ज़रूरत पड़ सकती है, जो कि मेरे पास नहीं है। वो मैंने देखा कि वीज़ा ऑन अराइवल भी कुवैत में नहीं है, तो ये चीज़ मेरे को बहुत ही ज़्यादा मतलब सिर में दर्द कर रही है कि अगर ऐसा हुआ कि मेरे को वहाँ पे ट्रांज़िट वीज़ा नहीं मिला तो क्या होगा। अगर मतलब मैंने एक बार कुछ देखा था ऐसा, और अगर ट्रांज़िट वीज़ा नहीं होता है तो फिर शायद वो डिपार्ट कर देते हैं वापस, तो इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा मेरा। और एक ऊपर से जो फ्लाइट है वो इंडिगो की है, एक घंटे से वो ऐसी खड़ी है। पिछले दो दिन से ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो मैं बता नहीं सकता, और मुझे पहुंचना भी ज़रूरी है, आप सबको पता है। तो देखते हैं, पहले चेन्नई पहुंचते हैं। अब चेन्नई जब कुछ भी होगा, कुवैत जाके ही जो होगा कुवैत जाके ही पता लगेगा। बट अगर ऐसा हुआ कि मुझे वीज़ा नहीं मिला तो यार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और साथ ही बहुत ज़्यादा पैसे का नुकसान हो जाएगा। तो पहले चलते हैं, देखते हैं। अभी तो यही फ़्लाइट नहीं चल रही है, मैं आपको बाहर दिखाता हूँ। तो अभी फ़्लाइट जो है वो खड़ी हुई है, और थोड़ा टाइम लगेगा इसे चलने में, थोड़ा क्या बहुत टाइम लगेगा, एक घंटे से यहीं पे खड़ी हुई है। तो अभी चेन्नई पहुँचते हैं, फिर बाद में देखते हैं क्या हो सकता है। फिर कुवैत पहुँच के और ज़्यादा चीज़ें पता लगेंगी क्या होगा, देखते हैं। तो दोस्तों मैं चेन्नई पहुँच गया हूँ, और चेन्नई से अब मैं कुवैत जा रहा हूँ, और कुवैत में ही सबसे ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि भाई कुवैत में मुझे नहीं पता मुझे ट्रांज़िट वीज़ा से मिलेगा नहीं मिलेगा या फिर क्या होगा। भाई कुवैत मतलब आप समझ जाइए सिरदर्दी बनी हुई है। और अभी भी मैं मेरे बोर्डिंग पास पे लिखा हुआ था 113 और गेट नंबर,
और तभी मेरे फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आती है कि आपकी जो बोर्डिंग गेट है वो 7 है। तो मैं भाग भाग के 7 गया, तब तक अनाउंसमेंट हो रहा था, मतलब सब लोग बैठ चुके थे, फ्लाइट टेक ऑफ करने को थी और मैं तभी बैठा। मतलब भाई 2 दिन से इतना मतलब हो गया रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, चीज़ें इतनी ज़्यादा उलझ ही पड़ रही हैं। मेरी शक्ल देखो आप, मतलब मेरा कुछ कहाँ बाल हैं, कहाँ मैं हूँ कुछ नहीं पता। और 2-2 बार जब इमिग्रेशन में चेकिंग होती है और सारा लगेज दोबारा से आपको बाहर निकाल के दोबारा अंदर डालना पड़ता है, भाई क्या ही बताऊँ मैंने अब तो ये फ़्लाइट ले ली जो होती हैं कनेक्टिंग फ़्लाइट जिसको बोलते हैं कि एक फ़्लाइट एक देश तक और फिर उस देश से दूसरी फ़्लाइट। अब मैं ज़िंदगी में कभी ये फ़्लाइट नहीं लूँगा, चाहे मुझे 5,000 रुपये ज़्यादा देने पड़े। और अभी मैंने क्या हुआ, दिल्ली में मैं बैगेज भी वापस कर रहा था अपना, तो बैगेज में भी मेरे यार बहुत पैसे लग गए यार, क्या बताऊँ। वो बैगेज मैंने टैक्सी से एक है उनके पास भिजवाया है, मेरी हालत ख़राब हो गई है। पिछली बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बहुत ईजी था सब कुछ, बहुत ज़्यादा ईजी था। एक फ़्लाइट में चढ़ा, फिर शारजा उतरा, 2 घंटे वेट करा, दूसरी फ़्लाइट में चढ़ा, फिर तेहरान उतर गया। और इस बार तो पता नहीं क्या ही हो रहा है भाई, और अभी क्या ही बताऊँ, तो कुवैत जाके पता लगेगा कि आखिर होगा क्या, तो देखते हैं। तो भाई मैं कुवैत पहुँच गया था और बहुत देर हो गई मुझे, लेकिन कुवैत में सबसे बड़ा जो डर था, मैं रात के वैसे तो इंडिया के टाइम के हिसाब से यहाँ पहुँच गया था, पाँच बजे, बट यहाँ के टाइम के हिसाब से मैं 1:30 बजे पहुँचा था। और उसके बाद सब दिमाग में एक ही चीज़ थी कि यार वो ट्रांज़िट वीज़ा वाली चीज़ के लिए कुछ हो ना जाए, मतलब ऐसा ना हो कहीं ट्रांज़िट वीज़ा के चक्कर में मुझे वापस भेज दें लोग। और बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी, तो मैं वीडियो का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था कि वीडियो बनाऊं, वरना मैं आपको एयरपोर्ट वगैरह दिखाता, बहुत बढ़िया एयरपोर्ट है कुवैत का। और अब सब कुछ मतलब होने के बाद और सभी कुछ हो गया है, तब जाके भाई मुझे ये मिला। और अब कंफर्म हो गया है कि अब मैं जो है वो जा रहा हूँ तेहरान, और 10 बजे फ़्लाइट है। लेकिन पता है यार, मैंने एक चीज़ सीख ली कि कभी भी डिफरेंट फ़्लाइट्स को बुक नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप एक कंपनी की फ़्लाइट से इंडिया से जा रहे हो, फिर कहीं और बीच में रुक के फिर दूसरी कंपनी की फ़्लाइट से आप जो है कहीं और जाओगे। इसमें पता क्या होता है, सबसे बड़ा चीज़ जो हुई है कि मेरा एक बैगेज जो था वो मैंने वापस दिल्ली में करा। दूसरा जो चीज़ हुई है वो ये हुई है कि जो बैगेज हुआ ना, कम से कम 5-6 बार चेक हुआ मेरा बैगेज, और उसमें सब सामान पूरा निकालना, फिर दोबारा सामान लगाना, भाई मतलब इतना सिरदर्दी हुई है ना, मैं क्या बताऊँ। दिल्ली से तेहरान जितनी आसानी से मैं पिछली बार पहुँच गया था, मतलब ऐसा लग रहा है दिल्ली से मैं तेहरान नहीं जा रहा हूँ, दिल्ली से पता नहीं दूसरी दुनिया में जा रहा हूँ, इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रही है ना। और इसलिए मन भी बड़ा अजीब सा हो रहा है, वीडियो करने का भी मन नहीं हुआ। एयरपोर्ट दिखाऊँ आपको, वरना देखो यार बहुत बढ़िया एयरपोर्ट है, उधर फ्लाइट्स वगैरह खड़ी हुई हैं, अच्छा एयरपोर्ट है। तो अब बस यहाँ से 10 बजे जो है वो जाएंगे, जैसे टेक ऑफ करेंगे फिर जो है मैं तेहरान पहुँचता हूँ, और देखते हैं। क्योंकि तो मुझे यार अब यहाँ से मेरा मन है जल्दी से जल्दी जैसे यहाँ से फ़्लाइट पकड़ो और निकलो यहाँ से भाई, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा पहली बार हुआ है। लेकिन ये चीज़ सबक है कि, और ये चीज़ आपके लिए भी है, आप भी कभी जाओ तो सीधी सीधी फ़्लाइट बुक करो, एक ही कंपनी की बुक करो, क्योंकि ये ट्रांज़िट में बड़ा ही चक्कर है भाई। मेरा दिमाग बहुत ख़राब था कि यार ट्रांज़िट में कहीं कुछ मैटर ना हो जाए, कुछ इशू ना हो जाए, तो वैसे कुछ हुआ नहीं, सही रहा सब। लेकिन इन्होंने भी बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन करी, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी, क्वेश्चन आंसर करे, तब जाके इन्होंने ये जो है ये दिया। अब देखते हैं फ़्लाइट कब आएगी, और जैसे फ़्लाइट आएगी फिर पहुंचते हैं तेहरान और देखते हैं। तो भाई मैं अब जहाँ पर हूँ वहाँ से जो मेरी फ़्लाइट है वो यहाँ पर आके रुकेगी, और ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 घंटे के अंदर बस यहाँ से फ़्लाइट टेक ऑफ करेगी। और आप देखिए बहुत ही मतलब कुवैत का ये जो यार मैं बताऊँ आपको एयरपोर्ट है ये बहुत ही अलग है। मैं आपको पहले भी दिखाता, अगर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मेरा थोड़ा ना दिमाग उस टाइम ठीक हो रहा होता, थोड़ा इतनी ज़्यादा दिमाग पर चीज़ें नहीं चल रही होती, तो मैं आपको पूरा कुवैत का एयरपोर्ट दिखाता हूँ। बट कोई नहीं, अभी फ़्लाइट जो है यहाँ पर आके रुकेगी और फिर यहाँ से टेक ऑफ करेगी, और मैं आपको दिखाऊंगा टेक ऑफ। क्योंकि
भाई अब बस में बैठ गए हैं, और बस में बैठने के बाद अब सीधे ये बस ले जाएगी हमारे प्लेन की तरफ। आप देखें अब बस प्लेन में जाने का इंतजार है। तो दोस्तों इतनी लंबी जंतोजहद के बाद, इतनी ज़्यादा सिरदर्दी के बाद और इतनी ज़्यादा दिक्कतों के बाद आखिरकार मैंने आराम की सांस ली। अब मैं जजीरा एयरवेज से तेहरान के लिए जा रहा हूँ, मुझे मेरा बोर्डिंग पास मिल गया है, अब मुझे किसी बात की भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पिछले 10 घंटे मेरे लिए बहुत ज़्यादा सिरदर्दी भरे रहे, जहाँ मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं तेहरान जा पाऊँगा नहीं जा पाऊँगा, क्या मुझे बोर्डिंग पास मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या कुवैत में ऐसा तो नहीं होगा कि मुझे ट्रांज़िट वीज़ा के चक्कर में वापस इंडिया भेज दें। लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर जब मैं कुवैत एयरपोर्ट पे था, मैं पूरी रात नहीं सो पाया, मैं सिर्फ बैठा रहा, पूरी रात इंतज़ार करता रहा कि जल्दी से ट्रांसफ़र डेस्क खुले और मुझे कुछ चीज़ पता लगे, ताकि कुछ संतुष्टि आए। और पूरी रात मैं बस गुरुदेव का नाम लेता रहा कि किसी तरह गुरुदेव इस समस्या से मुझे बाहर निकाल दीजिए। और वही हुआ दोस्तों, सुबह जैसे ही ट्रांसफ़र डेस्क खुली, उन्होंने मुझसे ट्रांजिट वीज़ा का जिक्र भी नहीं करा, बस उन्होंने मुझसे ईरान का वीज़ा मांगा, मेरा पासपोर्ट मांगा, रीज़न बोला कि आप क्यों जा रहे हैं, और साथ में ही उन्होंने ये पूछा कि वहाँ जाके आप कहाँ रुकोगे, और फिर उन्होंने मुझे बोर्डिंग पास दे दिया। और इस तरीके से दोस्तों मैं अपने फ़्लाइट की तरफ आगे बढ़ गया, जो कि जजीरा एयरवेज अपनी फ़्लाइट में बैठने जा रहा हूं। तो भाई आ गया है अपना प्लेन, और इसी प्लेन में अपने को चढ़ना है। चलते हैं अंदर फिर। बस इसी प्लेन का तो इंतज़ार था, 3 घंटे से दिमाग ख़राब हो रहा था भाई। और यही है अपना प्लेन, इस प्लेन में अपने को जाना है और इसी से तेहरान पहुंचना है। सलाम। तो यार अब जा रहे हैं हम अंदर, और 10F हमारा है। 10F कैसा हुआ कुमार से? आई डोंट नो व्हाट यू से। तो भाई इस बार मिल गई है विंडो सीट, और विंडो सीट का होता है बहुत ज़्यादा बेनिफिट। तो आफ्टर ऑल सब कुछ होने के बाद अब हम हैं भाई प्लेन में, और आप मेरी खुशी से अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरे को कितनी ज़्यादा खुशी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे विंडो सीट मिली है यार, गुरुदेव की कृपा से। अब जाकर मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिला है, और अब बस 2 घंटे बाद हम पहुंच जाएंगे तेहरान। और तेहरान पहुंच के सबसे पहला मैं काम क्या करना है, मेरे को सबसे पहला काम करना है कि मुझे ये चेंज करना है, अपना चेहरा वेहरा धोना है, क्योंकि पिछले 24 घंटे से भाई मत पूछना, मैंने ऐसी फ्लाइट्स, ऐसा ओवरले कभी नहीं देखा, ना मैंने कभी किया। बस ये है कि ये मेरा लास्ट है, और इसके बाद मैं कभी भी डिफरेंट फ्लाइट्स कभी चूज़ नहीं करूँगा। जब भी मेरा कहीं भी जाना होगा मैं कभी चूज़ नहीं करने वाला। तो अब बस फ्लाइट के टेक ऑफ का मुझे इंतज़ार है, और आप बहुत ही बढ़िया है। और सबसे अच्छी बात है, मुझे फिर से कह रहा हूँ सीट मिली है विंडो वाली, तो आपको दिखाता हूँ बाहर का नज़ारा जब फ्लाइट होती है टेक ऑफ। तो भाई टेक ऑफ के लिए हम तैयार। पूरा कुवैत यहाँ से नज़र आ रहा है।
बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, सब नज़र आ रहा है भाई, पूरा कुवैत नज़र आ रहा है यहाँ से। वो देख रहे हो सामने वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग, पता नहीं कैमरे में दिखाई दे रही है नहीं दे रही है भाई, बहुत तगड़ी तगड़ी बिल्डिंग है, पूरा कुवैत नज़र आ रहा है भाई यहाँ से। लेकिन यार इधर की कंट्रीज में ना ऊपर से देखने में जैसे फ्लाइट से देखते हैं तो सब कुछ ऑर्गेनाइज दिखता है, सिस्टमेटिक दिखता है। वाई टेक ऑफ कर चुके हैं और अब मैं थोड़ी देर जो है सो जाता हूँ, क्योंकि मेरे को मैं बहुत थक गया हूँ। और थोड़ी देर बाद लगभग एक दो घंटे बाद तेहरान के अंदर होंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर से तेहरान कैसा लगता है देखने में। तो भाई देखते हैं तेहरान पहुँच के। तो दोस्तों तो भाई तेहरान हम पहुँच गए हैं और थोड़ी देर में जो है प्लेन जो है लैंड होने वाला है। आप देखें बाहर तो नीचे जो दिखाई दे रहा है आपको तेहरान। फ्लाइट का बहुत कम लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं, पूरी ज़्यादातर फ्लाइट पूरी खाली पड़ी है। और देखो तेहरान हम पहुंच गए भाई, थोड़ी देर में प्लेन जो है वो लैंड जाएगा। देखो भाई प्लेन लैंड होने वाला है, ये बहुत नीचे आ गया आ गया आ गया आ गया, रनवे पे आ रहा है, रनवे पे आ रहा है। तेहरान आ चुके हैं और हम बाहर जाएंगे, कपड़े वपड़े चेंज करेंगे, चेहरा धोएंगे, फ्लाइट का रुकने का इंतज़ार करते हैं, बैग उतारते हैं, पहुंचते हैं बाहर और देखते हैं। Please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has come to a complete stop and the seatbelt sign has been switched off. Please collect your personal belongings from under the seats or from the overhead compartments. Extra care should be taken when opening the overhead compartments to avoid any baggage from falling out. तो भाई तेहरान पहुंच गए हैं और प्लेन से भी उतर गए हैं, हम बाहर की तरफ जाएंगे, कुछ बैगेज वगैरह चेक करा के और फिर हम देखो। पहले भी मैं आया था, एक वीडियो है जो सबसे पहले मैं आया था वो तब की है, वो अभी तक मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन मैंने दिखा दी हो तो वो पूरे हिंदुस्तान में छा जाएगी, तो मैं उसे थोड़ा सा रुक के दिखाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ आप लोग मुझे ट्रिपल डिजिट में पहुँचा दो तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो। फ़िलहाल तो यार कपड़े वगैरह चेंज करते हैं और देखते हैं। उसे देखकर मानो मेरा दिल भर रहा था, लेकिन मैं अपने आप को थामे हुए था। मेरा मन ये कर रहा था कि मैं उसे देखता रहूं। अभी पल की तो जब खाई थी जब मैंने उसे पहली बार देखा था, और एकदम से वो घड़ी आ गई जब शायद मैं उसे काफी दिन बाद अब देखूंगा। हाँ फोन की स्क्रीन पर अक्सर देखता था, लेकिन ऐसे शायद काफी दिन बाद अब मैं उसे देख पाऊंगा। और सबसे मुश्किल वक्त वो होता
जब मैं दरवाजे के एक तरफ था, वो दूसरी तरफ से बस हाथ हिला रही थी, मानो कह रही हो कि अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। फिर थोड़ी देर बाद मैं क्या देखता हूँ सामने से कि उसके फादर मुझे दिख गए और ठीक उनके पीछे वो आ रही थी और मैं तुरंत भाग कर गया और सीधे जाकर उनके पैर छुए और मैं उससे मिला। मैंने उसे अपने लाया हुआ वो गुलदस्ता दिया जो उसे सबसे ज्यादा पसंद है, जो जिस रंग का गुलदस्ता उसे सबसे ज्यादा पसंद है, और फिर मैंने उनका स्वागत सत्कार करना शुरू करा। डूब जाने से ये चलते सूरज से ये तेज हवा आए जमाने से तेरे लिए आएंगे बचाएंगे तुझे डूब जाने से और रहना तेरे साथ है मैंने वो छूने तेरे हाथ है मैंने वो पूजा तेरी करनी है हर दिन रात है मैंने वो यूं ही रोने नहीं दूंगा वो यूं ही रोने नहीं दूंगा के अगर तुझे हो गया कुछ के सब कुछ ही मिटा देंगे वो सारे होश गवा देंगे अगर तुझे हो गया कुछ। और फिर वो घड़ी आ गई जब फायजा को ईरान के लिए जाना पड़ा। वो बार बार पलट के मुझे देख रही थी, वो बार बार मेरे पास आना चाह रही थी और मैं भी चाह रहा था कि बस वो मेरे साथ खड़ी रहे, वो मेरे से बात करने मेरे पास आती रही और मैं बार बार उससे कहता रहा कि बस अब कुछ दिन की बात है, कि बस अब कुछ दिन की बात है, ये जो तुम्हारी आंखों में आंसू हैं इन्हें रोक दो, अब बस उत्सव की तैयारी करना ईरान में। मैं उसे समझा रहा था कि रोना नहीं, बस कुछ दिन की बात है और हम एक दूसरे के साथ हमेशा हमेशा के लिए जन्मों जन्मों के लिए साथ हो जाएंगे। लेकिन उसकी आंखें कहाँ मानने को तैयार थी, वो तो बस आंसुओं में नम थी और बार बार मेरी तरफ देख रही थी। मैं भी बस उसे देखता रहा एक टुक और सोचता रहा कि ये आने जाने का सिलसिला कब खत्म होगा, कब ऐसा होगा कि बस अब हो गया, अब बहुत हो गया, अब बहुत इंतजार हो गया, अब सिर्फ तुम और मैं और तुम, और कोई बंदिशें नहीं और कोई प्रक्रिया नहीं, अब हमने हर पड़ाव पार कर लिया, अब हमने हर मुश्किल से अपने आप को पार कर लिया। तो भाई मैं हो गया हूँ चेंज और मैंने सब कुछ चेंज कर लिया है और बाहर खड़ी है फायजा। तो दोस्तों आखिरकार 3 साल के लंबे इंतजार के बाद मैं और फायजा
अब हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं। अब ना ये होगा कि मुझे वापस भारत अकेले आना होगा और ना ये होगा कि फायजा को वापस ईरान अकेले आना होगा। अब ये आने जाने का सिलसिला पूरा होता है। इस बार मैं और फायजा हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं, एक दूसरे के होने वाले हैं और इस बहुत ही अनोखी प्रेम कहानी के गवाह आप सब लोग हैं। आप सब लोगों ने मेरा और फायजा का बहुत साथ दिया है, मुझे और फायजा को आप सब लोगों ने बहुत प्यार दिया है और इसी प्यार के बलबूते आज मैं फायजा के लिए ईरान आ पहुंचा हूं, जहां मैं और फायजा ईरान के रीतो रिवाज से एक दूसरे के हो जाएंगे और फिर न दोबारा कभी फायजा को अकेले भारत आना होगा और ना कभी मुझे अकेले ईरान आना होगा। तो दोस्तों इस तरीके से मैं ईरान पहुंच गया और मैं फिलहाल तेहरान एयरपोर्ट पे हूँ और मैं तेहरान एयरपोर्ट से बाहर की तरफ जा रहा हूँ। जाके बाहर मैंने क्या देखा, एयरपोर्ट का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा अलग था इस बार। और साथ ही इस बार फायजा के फादर ने कार जो है एयरपोर्ट के बाहर ही खड़ी कर रखी थी और जो मौसम था तेहरान का वो बहुत ही ठंडा था और इसीलिए आप जैसे देख रहे हैं कि मैंने जैकेट पहन रखी है क्योंकि भाई ईरान में अभी भी ठंड हो रही है। और इस बार एक चीज़ और अलग लगी कि मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी दूसरे देश में आ गया हूँ। बस मौसम थोड़ा सा अलग था क्योंकि अपने हिंदुस्तान में अभी गर्मी हो रही है और यहाँ पर अभी भी ठंड का एक मौसम है जो कि बहुत ही अलग था और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। मैंने चारों तरफ देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं किसी और देश आ गया हूँ या मैं किसी दूसरे देश में हूँ, मुझे बिल्कुल ऐसा एहसास नहीं हो रहा था। और उसके बाद फिर मैंने अपना जल्दी से सामान जो है वो फायजा के फादर की कार में रखा और सामान रख के मैंने फायजा से कहा कि मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं दो दिन से मैंने कुछ नहीं खाया तो सबसे पहले हम लोग कुछ खाएंगे। और इस तरीके से मैं और फायजा पूरे एक महीने के बाद फिर एक दूसरे से मिल गए और मैं और फायजा अब तेहरान एयरपोर्ट से सीधे जा रहे हैं फायजा के घर यानी कि हैमदान शहर में, जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा हैमदान शहर कितना ज़्यादा अच्छा है, कितना ज़्यादा बढ़िया है और हैमदान शहर बहुत ही बारीकी से फायजा के संग। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी हो और ओम नमो नारायण।